कोरोना वायरस के चलते सीरिए और यूरोपा लीग के मुकाबलों में खाली होगा स्टेडियम। मेसी समेत बार्सिलोना के सभी खिलाड़ियों का होगा टेस्ट। इटली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए सीरिए और यूरोपा फुटबॉल लीग के मुकाबले अब खाली स्टेडियम में होंगे। खेल मंत्री विंसेंजो स्पाडाफोरा ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया है। खेल मंत्री बैठक के बाद बोले, देश में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तरी इटली में 6 शहरों में पहले से ही खेल आयोजन पर बैन लगा हुआ है, इसलिए हमने स्टेडियम में फैंस की एंट्री बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बैन का असर सीरिए के कितने मैचों पर होगा। देश में अब तक इस वायरस से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 220 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित उत्तरी इटली में लीग के 6 मैच होने हैं। इसमें रविवार को यूवेंटस और लीग में तीसरे स्थान पर मौजूद इंटर मिलान का मैच भी शामिल है। इंटर मिलान ने भी ये फैसला किया है कि इस हफ्ते गुरुवार को हो रही यूरोपा लीग में लुडोगोरेट्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी। क्लब ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि यूएफए लोम्बार्डी के क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी और मिलान सिटी काउंसिल के साथ हुई बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि चैंपियंस लीग में मंगलवार को नेपोली और बार्सिलोना के बीच होने वाले मैच के आयोजन पर फिलहाल कोई संकट आता नहीं दिखाई दे रहा है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को मंगलवार को चैंपियंस लीग में इटली के क्लब नेपोली से नेपल्स में भिड़ना है। इटली में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए बार्सिलोना के खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सभी खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाएगा। इटली की सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसलिए मेसी समेत सभी खिलाड़ियों का नेपोली पहुंचने और छोड़ने दोनों बार टेस्ट किया जाएगा। अब तक इटली में कोरोना वायरस से पीड़ित 80 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर ही टेस्ट किया जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी को बुखार भी हुआ तो उसके मद्देनजर रखते हुए उसे तुरंत एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा। चीन से आए कोरोना वायरस संक्रमित 2 लोगों की मौत के बाद इटली सरकार ने रविवार को हो रहे फुटबॉल लीग के सीरिए के 3 मैच रद्द कर दिए थे। ये मुकाबले उत्तरी शहर लोम्बार्डी और वेनेटो में होने जा रहे थे। वहीं उत्तरी इटली के दर्जन भर शहरों को लॉकडाउन किया जा चुका है। खेल मंत्री विंसेंजो स्पाडाफोरा ने इटली की ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जियोवनी मलागो को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसमें खेल आयोजन को रद्द करना भी शामिल है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह खिलाड़ियों की सेहत से कोई समझौता नहीं करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के विशेषज्ञों की टीम इटली में जा पहुंची है, जो कि कोविड-19 से निपटने की तैयारी में इटली की मदद करेगी। WHO ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा कि इस वक्त उनका सबसे ज्यादा जोर इंसान से इंसान में इस वायरस को फैलने से रोकना है। 21 फरवरी के बाद से ही इटली के उत्तरी शहर लोम्बार्डी और वेनेटो में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं अभिषेक तिवारी, ऐसे ही स्पोर्ट्स की मजेदार अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।